हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने थंबनेल देखा और टैगलाइन देखकर समझ गए होंगे, एक लीकेज हैंडसेट है जो कि शॉर्टिंग है उसके अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, पूरा शील्ड पतरा वगैरह सब लगकर है। जैसा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं, ये जितने भी हैंडसेट्स होते हैं ये सब स्टूडेंट के हैंडसेट है, काफी ज्यादा इसमें काम किया हुआ होता है। मैं यहाँ पे आपको नजदीक से बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे और भी फोन हमने स्टूडेंट से लेते हैं और लाइव उनको रिपेयर करके इसमें बताते हैं। और स्टूडेंट भी बहुत सारे फोन लाते हैं, 30-30, 20-20 फोन एक एक स्टूडेंट लेके आता है। तो यहाँ पे हम लोग भी बहुत सारे फोन जो है हमारे YouTube की फैमिली के लिए, आप लोगों के लिए जो आने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ रिपेयर करके बताते हैं। हालांकि फोन तो बहुत है, ऐसे बहुत सारे वीडियो सोल्यूशन के हमारे चैनल पे भी आप देखने मिलेगा, जिसमें 4G हैंडसेट और 5G हैंडसेट दोनों के आपको रिपेयरिंग के वीडियोस मिलेंगे, जिसमें सिंगल पावर, डुअल पावर और ट्रिपल पावर और 4 पावर तक आपको एंड्रॉइड 5G में देखने मिलेंगे। तो इसका नया डाटा बहुत कुछ हम क्लास में स्टूडेंट को दे रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ भी डालते हैं तो कॉपी हो जाता है। हालांकि बहुत सारा डाटा हमने 4G का डाल दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट 4G का डाटा हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे हमारे फोन फिक्स के न्यू फोन फिक्स HYD और फोन फिक्स HYD के चैनल पे आप जाकर स्क्रॉल करके देखिए, थ्योरी के काफी सारे वीडियोस है, प्रैक्टिकल के भी काफी सारे वीडियोस है। तो आज यहाँ पे मेरे पास एक हैंडसेट है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या है, ये क्वालकॉम बेस्ड CPU है, इसमें आपको अभी हैंडसेट में लीकेज है और यहाँ पे मैं DC से भी आपको चेक करके बताऊंगा और बैटरी कनेक्टर पे भी आपको रीडिंग इसकी चेक करके बताऊंगा। और सारा पतरा वगैरह लगा हुआ है, देख सकते हैं, DC to DC पे भी पतरा लगकर है, नेटवर्क सेक्शन में भी लग के है और बैक साइड में भी, मैं बताऊंगा आपको। तो पूरा कोई इस पे काम किया हुआ नहीं है, ये वाटर डैमेज हैंडसेट है। कोशिश करते हैं रिपेयर करने की, क्योंकि एक टेक्नीशियन का काम होता है कोशिश करना, जितना लेवल तक आप जा सकते हो उतना लेवल तक कोशिश करना है। आईसीओ पे काम करना है, लाइनों को समझना है, शॉर्टिंग कहां है शॉर्टिंग को रिमूव करना है, कोई ट्रैक शॉर्ट है तो उसको शॉर्टिंग निकालना है, कोई ट्रैक ब्रेक है तो उसकी ट्रैक को बनाना है, कोई IC लीकेज हो गया है, शॉर्ट हो गया तो उसको रिमूव करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है, क्योंकि वाटर डैमेज हैंडसेट है तो ये शॉर्टिंग का केस है इसमें। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको DC से कनेक्ट करके बता देता हूं, ये आउटपुट मैंने दे दिया है 4 वोल्ट और 5 एम्पियर का। तो यहां पे बैटरी DC से मैं यहां पे ये पावर केबल कनेक्ट कर लेता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे 8 एम्पियर ले रहा है, यहां पे आप देखिए, जैसे मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं तो देख सकते हैं 8 एम्पियर ले रहा है। इसके अलावा यहां पे मैं बैटरी कनेक्टर पे भी आपको चेक करके बता देता हूं, ये इसका फिंगरप्रिंट कनेक्टर होता है और यहां पे इसका बैटरी कनेक्टर। तो बैटरी कनेक्टर के टर्मिनल जो होते हैं 2-4 टर्मिनल में आपको पता ही होगा, एक VBAT होता है, दूसरा बैटरी ID, तीसरा बैटरी थर्मल और चौथा जो होता है हमारा ग्राउंड पिन होता है। तो जैसा कि यहाँ पे प्लस लिखा है और यहाँ पे माइनस लिखा है, तो ये वाला हमारा ग्राउंड का पिन होगा जैसे आप देख सकते हैं, और जो पॉजिटिव सिरा हमारा है यहाँ पे 430 के आसपास रीडिंग आ रही है। ये हमारी जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये तो प्रॉपर आ रही है रिवर्स बायस में, अगर फॉरवर्ड बायस में भी अगर हम चेक करना चाहें तो यहां पे देख सकते हैं 580 के आसपास वैल्यू आ रही है। यहां पे इतनी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, 580 के आसपास नहीं आना चाहिए, ये लीकेज कंडीशन और हॉफ शॉट जिसको हम मानते हैं। तो यहां पे जो वैल्यू आनी चाहिए OL आना चाहिए, यानी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, या फिर क्वालकॉम बेस में अगर आप चेक करोगे तो 1000-1200 के ऊपर, 1500-2000 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए, बट यहाँ पे 500-600 के आसपास वैल्यू आ रही है, मतलब हैंडसेट लीकेज कंडीशन में है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चेक करके बताता हूं। सबसे पहले यहाँ पे पावर की का पत्ता, और यहां से हम जो डिस्प्ले का पत्ता है, चार्जिंग का पत्ता है, यहां से इसका चार्जिंग का पत्ता नीचे होता है, तो ये सारा निकाल लेते हैं, इसमें से बाजू रख लेता हूं मैं, डिस्प्ले बाजू रख लेता हूं। यहां पे देख सकते हैं टच का पत्ता भी यहां पे लग के है, तो टच का भी पत्ता इस तरह से निकाल लेते हैं। यहां बैक साइड में अगर आप देखोगे तो नीचे जो चार्जिंग की सप्लाई यहां से आती है और नीचे के जो सारे सप्लाई होते हैं यहां से वो आपको इसमें कनेक्ट होते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब ए साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे CPU यहाँ पे है इसका, और पावर AC यहाँ पे लग के, देखिए कोई काम नहीं किया गया, कोई पेस्ट नहीं है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, देख सकते हैं कोई पेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी चेक करेंगे कि ये जो लाइंस होते हैं हमारे पावर के पास
कभी भी अगर आप देखोगे तो ये VPH कैपेसिटर्स होते हैं, यानी VPH की सप्लाई 4 वोल्ट की सप्लाई आपको यहाँ पे मिलेगी, जो हमारी बैटरी कनेक्टर की सप्लाई होती है जो 3.6 से लेकर 4.2 के आसपास। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको चेक करूंगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड है, तो अगर दूसरे साइड भी अगर मैं चेक कर रहा हूं तो यहाँ पे भी बीप आ रही है, देख सकते हैं यहाँ पे 0.05 ओम्स के आसपास बता रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो 0.03 ओम्स, यानी यहाँ पे आपको VPH लाइन यहाँ पे शॉर्ट मिल रही है। जैसे ये कैपेसिटर पे हमने देखा, इस साइड भी देखते हैं तो ये भी देखिए शॉर्ट है, यहाँ भी देखिए शॉर्ट है, मतलब यहाँ पे VPH लाइन तो शॉर्ट है, ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि पावर ही शॉर्ट है, क्योंकि VPH सप्लाई आपको चेक करना होता है यहाँ पे DC टू DC के पास, यहाँ पे पतरा लग के है, देख सकते हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं 4GPA के पास भी ये सप्लाई जाती है, तो यहाँ पे भी ये शॉर्ट है। इसके अलावा 3GPA, ओ माई गॉड, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, पूरा वाटर डैमेज है, अंदर पानी यहाँ पे घुसा हुआ है पूरा अंदर तक, तो ये वाला कैपेसिटर भी हमारा शॉर्ट ही होगा, ये देख सकते हैं। तो ये वाला पतरा हम पहले काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पूरा काला काला हो गया पानी जा करके अंदर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पतरा निकला हुआ नहीं है, और ये जो देख सकते हैं आप, ये लाइट सेक्शन के लिए होता है, तो यहाँ पे भी हो सकता है शॉर्टिंग हो, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये देख सकते हैं दोनों साइड हमको बीप मिल रही है, तो यहां पे भी आपको ठीक है, ये वाला जो डायोड के पास आपको मिल रहा है 100 के आसपास वैल्यू आ रही है, यहां पे लीकेज का वैल्यू शो कर रहा है, और ये पॉजिटिव सिरा तो इसका ग्राउंड ही होता है, तो हो सकता है इसका इस आईसी के पास भी कोई शॉर्टिंग हो, या फिर ये वाटर डैमेज की वजह से ही शॉर्टिंग हो। तो सबसे पहले यहां का पतरा कट करेंगे जहां पानी गया है, सबसे पहले इसको साफ करेंगे, ये कैपेसिटर थोड़ा जला हुआ भी लग रहा है, देख सकते हैं। तो यहां पे मैं इसका आपको दिख रहा होगा ऊपर, अच्छे से देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। कोई भी मॉडल रहने दीजिए फ्रेंड्स, मॉडल से मतलब नहीं चलता है, नॉलेज से मतलब चलता है कि क्या मॉडल आपके हाथ में है। कोई भी सेट आपको बनाना होगा, कीपैड आए तो भी आप रिपेयर करिए, 4G आए तो भी रिपेयर करिए, 5G आए तो भी रिपेयर करिए। ये जो हम सोल्यूशन दे रहे हैं पूरी फोनफिक्स की टीम की तरफ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पानी गया हुआ है। एक बार मैं फिर से कैपेसिटर चेक करके बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे भी बीप आ रहा है, यहाँ पे भी शॉर्टिंग, ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको साफ करेंगे और इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं ये कैपेसिटर के पास भी शॉर्टिंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा VPH लाइन हमारा इस रिंगर आईसी में भी जाता है, तो यहाँ पे भी हो सकता है शॉर्टिंग मिले इसको, तो इसके इनपुट में ये देख सकते हैं यहाँ पे भी शॉर्टिंग आ रहा है। तो VPH लाइन जो होता है आपका लाइट सेक्शन, रिंगर, 4GPA, 2GPA, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पावर आईसी के पास, इसके अलावा VPH सेक्शन, VPH लाइन जो होती है आपकी ग्राफिक आईसी, लाइट आईसी में भी जाती है, क्योंकि इसमें ग्राफिक, लाइट और चार्जिंग तीनों एक ही आईसी है, तो इसको यहाँ पे एक आईसी होती है PMI आईसी, तो इसके अंदर ही तीन सेक्शन होते हैं, यहीं से हमारी VPH आउट होता है। तो सबसे पहले इसको मैं साफ करूंगा, ये कैपेसिटर रिमूव करूंगा, उसके बाद चेक करते हैं आगे कि हमारा शॉर्टिंग रिमूव होता है कि नहीं होता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे पतरा भी मैंने आपके सामने ही खोला है, अभी देख सकते हैं कैपेसिटर यहाँ पे जला हुआ लग रहा है, हो सकता है ये आईसी भी शॉर्ट हो, क्योंकि VBAT में लीकेज आ रहा है और VPH में फुल शॉर्ट हो रहा है। तो जब VPH में शॉर्टिंग होती है तो VBAT में डायरेक्ट करंट एम्पियर कंज्यूम करता है, लीकेज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हमने साफ तो कर दिया, इस साइड में तो कुछ साफ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये वाला जो कैपेसिटर है इसको बाहर निकालेंगे, इसको निकालने के लिए थोड़ा सा फ्लक्स यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, और यहाँ पे कैपेसिटर को रिमूव करते हैं। तो यहां पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर हमने निकाल लिया है, तो एक बार देख लेते हैं कि ये वाला ही कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है कि नहीं है, और हो सकता है और भी कहीं पे शॉर्टिंग हो VPH लाइन में।
तो चलिए यहाँ पे थोड़ा पीसीबी कूल हो गया हमारा, तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे जो शॉर्टिंग थी हमारी गई कि नहीं गई। तो मल्टीमीटर को बजर रेंज पर रखना है, रेड ग्राउंड करके यहाँ पे चेक करेंगे। ये देख सकते हैं एक साइड तो ग्राउंड है और दूसरा साइड अभी भी बीप आ रहा है, देख सकते हैं। तो शॉर्टिंग तो हमारा गया नहीं, एक बार एक कैपेसिटर चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं कैपेसिटर तो शॉर्ट है हमारा जैसे दिख रहा होगा आपको, और ये लाइन भी जो है अभी भी शॉर्ट है, मतलब कैप भी शॉर्ट हो चुका था और लाइन अभी भी शॉर्ट है। तो हो सकता है ये आईसी के नीचे पानी गया, तो हम ये आईसी को भी निकालेंगे। तो ये कैपेसिटर बाजू हटा देता हूं मैं, तो अभी इस आईसी को भी हम रिमूव कर लेंगे एक बार, क्योंकि पानी यहाँ पे गया, इसको निकालना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप रोजन वगैरह लगा के भी चेक कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इस आईसी को उठा लेता हूं क्योंकि पानी यहां पे गया था। चलिए ये वाला आईसी मैंने निकाल लिया है जो कि 2G का पीए होता है हमारा। तो एक बार उसको बाजू रख लेता हूं और पीसीबी कूल होने के बाद चेक करेंगे कि हमारा जो लीकेज है वीबेड से हटा के नहीं हटा, जो वीपीएच हमारा शॉर्ट है वो शॉर्टिंग गई कि नहीं गई। कोई भी मोबाइल हो आपके पास, स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। वीपीएच लाइन कभी भी शॉर्ट हो जाए फ्रेंड, तो सीपीयू और एमएमसी पे काम बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इस तरह के हैंडसेट्स में वीपीएच लाइन आपका सीपीयू और एमएमसी में कभी नहीं जाता है, डायरेक्टली कभी नहीं जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे शॉर्टिंग है, तो इस वाले कैप के पास भी चेक करके बताऊंगा मैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी अभी भी शॉर्टिंग है, थोड़ा सा मोबाइल गर्म है, थोड़ा ठंडा होने के बाद चेक करेंगे। या फिर हो सकता है हमारा ये 4GPA के पास जो कैप लग के है, या फिर पावर भी शॉर्ट हो सकता है, या फिर यहाँ पे जो DC to DC है ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसको इजीली तरीके से फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस शील्ड को निकालेंगे, यहाँ पे जो VPH कॉइल होता है हमारा, कॉइल को रिमूव करके यहाँ पे हम देंगे कुछ एम्पियर, जिससे आपका शॉर्टिंग आपका होगा। यहाँ पे मैं पतरा निकाल रहा हूँ, देख लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है पतरा निकालने में भी डेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कट करने की तो जरूरत नहीं है, बट थोड़ा बहुत फिर भी कट कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे आपको। ठीक है, इतना काफी है। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं जो वीपीएच का कॉइल होगा हमारा, ये ऊपर का कॉइल होता है इसका वीपीएच का, चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहां पे भी शॉर्टिंग ही होगी हमको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस साइड में शॉर्टिंग है इसकी, ये बूट कैप होगा इसका। तो ये देख सकते हैं कॉइल के ऊपर मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको, इधर भी बीप आ रहा है, इधर भी बीप आ रहा है। सबसे पहले कॉइल निकालेंगे, अगर इस साइड में अगर हमको बीप मिलता है तो हम ये आईसी उठाएंगे, और इस साइड में अगर बीप मिलता है हमको तो आगे कोई ना कोई एक सेक्शन में शॉर्टिंग है, जिसको हम रोजन लगा करके हम निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले थोड़ा फ्लक्स लगा लेते हैं, और फिर चलिए कॉइल निकाल लेंगे सबसे पहले। तो कॉइल निकालने के लिए इस साइड से हीट करेंगे ताकि हमारे दूसरे जो कनेक्टर से वो ना जले। चलिए कॉइल हमने निकाल लिया है वीपीएच का।
तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस साइड में कोई शॉटिंग नहीं है हमारी, और इस साइड में जो है अभी भी शॉटिंग बनी हुई है जैसा देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई शॉटिंग नहीं, नॉर्मल हो चुका है। और एक बार यहाँ पे मैं देख सकते हैं, तो अभी भी यहाँ पे शॉटिंग है, और यहाँ पे भी एक बार बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं अभी भी शॉटिंग है, मतलब आईसी के साइड में कोई शॉटिंग नहीं है, अदर साइड में शॉटिंग हमको है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पावर के पास भी बताना चाहूँगा मैं, ये देख सकते हैं, तो पावर भी शॉर्ट हो सकता है आपका, यहाँ पे पावर भी शॉर्ट हो सकता है, या आपकी 4GPA शॉर्ट हो सकती है, या कोई कैप शॉर्ट हो सकता है, या रिंगर आईसी शॉर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे हम अब रोजन का इस्तेमाल करेंगे और रोजन लगा करके चेक करेंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा रोजन हमने लगा लिया है। अब चेक करते हैं कहाँ पे हीट होता है, पावर के पास भी मैंने लगा लिया है, तो यहाँ से डीसी मशीन ऑन कर लेंगे और अभी वोल्टेज देकर चेक करेंगे। VPH में जो वोल्टेज चलता है आपका 4 वोल्ट का वोल्टेज, तो आप 3 वोल्ट भी दे सकते हैं, 2 वोल्ट भी दे के देख सकते हैं, तो मैं सीधा सीधा 4 वोल्ट ही दे देता हूँ यहाँ पे। तो जो हमारी शॉर्टिंग थी कॉइल के इस साइड हमारा शॉर्टिंग था, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कैपेसिटर यहाँ पे हीट हुआ है, ये देख सकते हैं, एक बार फिर से रोजन में यहाँ पे लगा देता हूँ, देख सकते हैं जैसे मैं वोल्टेज दूंगा कॉइल का जो टिप्स है, देख सकते हैं यहाँ पे मैं ग्राउंड लगा दिया हूँ। इस वाले कैपेसिटर को अच्छे से देखिए, और यहाँ पे मैं वोल्टेज दूंगा और यहाँ पे हीट होगा, देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर हमारा यहाँ पे ब्लिंक हो गया है। तो चलिए इसको रिमूव कर लेते हैं कैपेसिटर को, और कैपेसिटर को रिमूव करके फिर चेक करते हैं कि हमारा शॉर्टिंग जाता है कि नहीं जाता है। तो कहीं से भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई कैप भी शॉर्ट हो सकता है, कोई आईसी भी शॉर्ट हो सकती है, स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है। पहले जो हमने 2GPA खोला, क्योंकि बहुत सारा पानी जा चुका था वहां पर, और क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप ही काम करना है, अंदाजे पे तुक्के पे तो काम करना नहीं है। चलिए इसको थोड़ा कूल होने देते हैं, उसके बाद यहाँ की शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार कंपोनेंट भी शॉर्ट हो सकता है और कहीं बार आईसी भी शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, तो आपको देखना है, चेक करना है, 4GPA भी शॉर्ट हो सकता है आपका। तो सबसे पहले कैपेसिटर जो हमने निकाला है उस कैपेसिटर को चेक कर लेंगे। जैसा आपने देखा इससे पहले भी एक कैपेसिटर शॉर्ट था, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये कैपेसिटर शॉर्ट है, जैसा आप देख सकते हैं तो यहाँ पे ये कैपेसिटर शॉर्ट मिल गया हमें। तो एक बार बोर्ड में भी चेक करेंगे, मतलब दो दो कैपेसिटर, एक यहाँ पे एक शॉर्टिंग मिली हमको, फिर आईसी हमने रिमूव किया, उसके बाद कॉइल रिमूव करके हमने देखा ये कैप शॉर्ट मिला। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 350 के आसपास वैल्यू आ चुका है, मतलब हमारा जो शॉर्टिंग था वो जा चुका है। यहाँ पे भी देख लेंगे एक बार, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी 350 के आसपास वैल्यू आ गया। एक बार मैं बैटरी कनेक्टर पे चेक करके बताना चाहूंगा, जो 450 तो एक तरफ आ रहा था, लेकिन रिवर्स में आपको 500 के आसपास आ रहा था, जो कि अब 1700 के आसपास आ चुका है, मतलब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम लगा लेंगे हमारा कॉइल, और कॉइल लगा करके हैंडसेट को हम ऑन कर लेंगे। तो ये रहा हमारा कॉइल, यहाँ पे तो लेंगे हम थोड़ा सा फ्लक्स, और फ्लक्स डाल करके कॉइल को लगा लेंगे, उसके बाद हैंडसेट को ऑन करेंगे। तो दोस्तों ये VPH लाइन में शॉर्टिंग को कैसे रिमूव करना है इजी तरीके से,
ये बताने की कोशिश की है हमने यहाँ पर आपको। किसी भी मॉडल में अगर VPN लाइन आपकी शॉर्ट हो जाती है तो इस इजी ट्रिक से आप बना ले सकते हैं हैंडसेट को, किसी भी हैंडसेट को, चाहे वो 4G हैंडसेट हो चाहे 5G हो। ये एक छोटा सा ट्रिक है, टेक्निक है, जो हमारे हर स्टूडेंट जानते हैं फोन फिक्स के। अगर आपको अच्छे से ट्रेनिंग लेना है तो ज्वाइन कर सकते हैं आप फोन फिक्स हैदराबाद। यहाँ पे ऐसे ट्रिक्स का भंडार आपको मिलेगा, पिटारा आपको मिलेगा। मदरबोर्ड कूल होने देते हैं, उसके बाद ऑन करके चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या फर्स्ट हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा PCB कूल हो जाता है, तो उसके बाद ऑन करके चेक कर लेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि फ्रेंड्स हैंडसेट तो बहुत है, और ये भी स्टूडेंट ही लेके आए अपने साथ, जो क्लासेस अभी शुरू हुए हमारे उन्हीं स्टूडेंट्स के ही मोबाइल है ये सारे, जिसमें सारा आपको EMMC वगैरह सब कुछ लगा लेता हूं मैं, अदरवाइज चलिए ट्विजर से कर लेंगे ऑन, कोई बात नहीं। तो इसको ऐसा उल्टा लगाएंगे, चलिए यहां पे एक बार ऑन कर देता हूं मैं। तो यहां पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हैंडसेट हमारा ऑन हो रहा है। तो जैसे आपने देखा फ्रेंड्स, ये अभी हैंडसेट पूरी तरह से खुल जाएगा। ये तो हम सोल्यूशन ऐसे यूट्यूब पर काफी सारे डाल चुके हैं, लेकिन सबको समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स। बहुत इजी स्टेप्स होते हैं शॉर्टिंग वाले, या फिर किसी भी तरह के मोबाइल को बनाना बहुत इजी तरीका होता है, जो हम लाइव क्लास में सिखाते हैं आपको। अच्छी तरह से सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हैं आप फोन फिक्स हैदराबाद। एक बार मैं इसको फिर से ऑन कर देता हूँ, थोड़ा वायर हिल जाता है यहाँ पर, बैटरी में चार्ज नहीं होगा क्योंकि शॉर्टिंग था ये हैंडसेट। तो पूरी बैटरी इसकी यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी बैटरी यहाँ पे देख सकते हैं, स्टूडेंट का नाम भी है, उन्होंने सब कुछ लिख के दिया है हमको। तो इस तरह के काफ़ी सारे मोबाइल हम लोग लेकर रिपेयर भी करते हैं, और सर्विस सेंटर भी है, अगर रिपेयरिंग के लिए भेजना है तो भेज भी सकते हैं आप यहाँ पर फोन फिक्स हैदराबाद में। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन में क्लास करना है तो हमारा ऑनलाइन में 1 मई से अभी बैच है, जिसमें आप आकर के सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हैंडसेट ऑन हो रहा है, तो बैटरी चार्ज होगी तो जल्दी से ऑन हो जाएगा। तो 1 मई से यानी कल से हमारा बैच स्टार्ट है ऑनलाइन का, सॉफ्टवेयर EMMC UFS का, जिसमें अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देख सकते हैं एंड्रॉइड का भी लोगो आ गया है, अभी ये हैंडसेट पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। 5,000 रुपये फीस रखी गई है ऑनलाइन कोर्स की, 10 दिन का क्लास है, पूरा EMMC UFS प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी आपको सिखाया जाएगा। जो आपका डाउट है 10 दिन के अंदर बन सकते हैं आप एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, क्योंकि इंडिया के अंदर EMMC UFS और सॉफ्टवेयर कोई नहीं सिखाता है आपको 5,000 में। और हमारे यहाँ पे पूरा एक्सपर्ट टीम है जो डेली काम करते हैं, लाइव काम करते हैं, आपको दिखाते हैं हम लोग। देख सकते हैं सेट ऑन हो चुका है यहाँ पे पूरी तरह से, ये स्टूडेंट का ही फोन है। तो हम लोग जो स्टूडेंट फोन लेकर आते हैं तो इनसे भी कोई चार्ज नहीं लेते। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, इतने सारे हैंडसेट है, इसके सभी के वीडियोस हम लेकर आएंगे आपके पास जैसे जैसे टाइम मिलता है। देखिए फ्रेंड्स, क्लास भी लेनी होती है, दूसरे भी बहुत सारे काम होते हैं, स्टूडेंट्स के भी काम होते हैं, सर्विस सेंटर का काम होता है, हमारा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाते हैं। एक वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है, वीडियो बनाना, फिर उसके ऊपर एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, पूरा काम करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं सोल्यूशन देने के लिए, तो काफी टाइम लग जाता है एक एक सोल्यूशन पहुंचाने के लिए। और आप लोगों के लिए बहुत कम समय में 20 मिनट के अंदर एक सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। ये 20 मिनट में बनाने के लिए हमारा सालों का मेहनत होता है इसके पीछे फ्रेंड्स, जो हम लाइव स्टूडेंट को क्लास में सारा हमारी नॉलेज दे देते हैं। यहाँ पे पूरी टीम है, हार्डवेयर हैंड स्किल के लिए आपको सागर सर काम सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर
और इमरजेंसी के लिए तौफिक सर आपको यूएफएस प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाते हैं, और जैसे आप जानते हैं डायग्राम वगैरह मैं सिखाता हूँ, सर्किट डायग्राम। और भी हमारे पास काफी सारा स्टाफ है जो आपको, दूसरे सर हैं जो आपको हैंड स्किल में सुबह में 8 बजे की क्लास में सपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा 2 घंटे देते हैं, रात में एक्स्ट्रा 1 घंटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनाया जाता है, झोला छाप नहीं। यहाँ पे सिर्फ टीचर्स के लिए हम लोग क्लैप्स नहीं करवाते हैं, स्टूडेंट से काम करा के दिखाते हैं। आप जाकर हमारे चैनल पे देखिए, ज्यादा वीडियोस आपको 80% स्टूडेंट का काम करता हुआ ही नजर आएगा। चलिए फ्रेंड्स, और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, इन सारे वीडियोस पे आप टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए, तभी हम आपको ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। नहीं देंगे तो भी लाएंगे, कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ही हम काम करते हैं, आप लोगों के लिए सोल्यूशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यही चाहते हैं कि भारत का हर बच्चा, हर टेक्नीशियन अच्छे से काम करे, ज्यादा इनकम कमाए, अपने पास आया हुआ काम दूसरे टेक्नीशियन को ना दे, जो सामने बैठ के है उसको ना दे, पूरा का पूरा पैसा अपनी जेब में डाले। यही हमारा एक मकसद है। अच्छे से सीखिए, आगे बढ़िए, देश को आगे लेके जाइए, अपने फैमिली को सपोर्ट करिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो फोनपिक हैदराबाद की टीम को सपोर्ट करिए, शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को दबाइए, ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे सब्सक्राइब के बाजू में, तो हमारे वीडियोस आते रहेंगे बट आपको पता नहीं चलेगा। चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए थैंक्स कहना चाहूंगा आपका कीमती समय देने के लिए, और जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।